नमस्कार, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में रिपोर्टर रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। रीवा जिले में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण के लिए लगाया गया शिविर। जिले भर से बुलाए गए तमाम फरियादी, अभी तक 400 लंबी शिकायतें। जिले के विभिन्न थानों में लंबी सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण करने के लिए गुरुवार को पुलिस कंट्रोल रूम में शिविर लगाकर पीड़ितों की शिकायतों का निराकरण किया गया। शिविर में डीआईजी श्री अनिल सिंह कुशवाहा, एसपी राकेश कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा सहित जिले के सभी एसडीओ व पुरवा थाना प्रभारी मौजूद रहे। शिकायतों के मद्देनजर शिविर में पीड़ितों को बुलवाया गया और मौके पर उनकी समस्याओं को सुनकर तत्काल निराकरण किया गया। जो थाने प्रभारी की बातों से संतुष्ट नहीं हुए तो पुलिस अधीक्षक ने उनकी शिकायतें ध्यान से सुनी और उन शिकायतों का तत्काल निस्तारण भी कर दिया। पुलिस अधीक्षक श्री राकेश कुमार सिंह ने कहा कि कई बार लोग शिकायतों पर कार्रवाई होने के बावजूद सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर देते हैं, फिर भी समस्याओं को सुलझाकर निराकरण कर दिया जाता है। कुछ शिकायतें अन्य विभाग की थी, उनको भी संबंधित विभाग के द्वारा सुलझा दिया गया है। आरआई द्वारा सीमांकन किया गया मेरे जमीन के सर, और सीमांकन के दौरान मेरे सही जमीन का नाप नहीं लिया गया, मुझे शासकीय जमीन नाप दिया गया है। कई बार मैंने हेल्पलाइन पर, सीएम हेल्पलाइन पर हमने बात की, भरोसा दिलाया कि हम मैं पुनः सीमांकन करवाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। अभी 10-15 बार हेल्पलाइन का मैंने मदद लिया, लेकिन आज तक कोई निराकरण नहीं हो पाया। सर जी, मेरा बार बार निवेदन है, वयोवृद्ध हो चुका हूँ, मेरे 70 वर्ष की हो गई है, मेरे साथ न्याय हो, मेरा यही एक निवेदन है। सीएम हेल्पलाइन में हमने कई बार अपना गुहार लगा चुके हैं, कोई निराकरण आज दिनांक तक नहीं हो पाया है। क्या नाम है आपका? मेरा मोहनलाल गुप्ता, बैकुंठपुर जिला रीवा मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। कहाँ से आए हैं? मैं बैकुंठपुर का हूँ। क्या शिकायत है आपकी? शिकायत ये है कि हमारे भानोई हैं करीबाजी, मेरा भांजा जो है 19 जुलाई को हिनौती ग्राम में उसकी हत्या हो गई। थानागढ़ लगता है हत्या भी हुई, पुलिस पंचनामे के लिए भेजी और पोस्टमार्टम कराना था, तो डॉक्टर ने, गढ़ डॉक्टर ने, पीएससी गंगेव है, तो पोस्टमार्टम तक नहीं किया। जिन लोगों ने हत्या की थी उनका इतना बड़ा षड्यंत्र था, और पुलिस गढ़ टीआई उस समय तात्कालिक थे विनोद सिंह, तो विनोद सिंह ने इतनी खासा रकम, मोटी रकम लेके, अब आप लोग सोचिए कि पोस्टमार्टम घर से बिना लाश का पोस्टमार्टम किए हुए परिजनों को सौंप दिया गया। क्योंकि इनके पास एक ही लड़का था, और एक ही लड़का होने के कारण वो इनकी दिमाग तो काम नहीं कर रही थी, ये तो दुख में भी। फिर जब हम लोगों ने देखा, फोटोग्राफ्स हैं, एसपी को दिया, तो न आज तक कोई एसपी के यहाँ से कोई कार्यवाही हुई जिससे हम संतुष्ट हो सकें। मैंने दोषियों का नाम भी दिया गया है, ऐसा नहीं है, मैंने आरोप लगाया कि फला फला व्यक्तियों ने मेरे बेटे को मारा, तो आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं। 19 जुलाई की घटना है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को, प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को बाई पोस्ट, इवन ये आप मान के चलिए कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख जस्टिस तक को मैंने लिख के दिया, कोई कार्यवाही नहीं हुई। बिल्कुल चारों तरफ ये प्रशासन, ये सब दिखावा है। जनता को ये सीएम हेल्पलाइन की कोई निराकरण वाली शिकायत हम लोगों की नहीं हो पाती। आज पुलिस कंट्रोल रूम में शिविर का आयोजन किया गया, क्या लगता है आपको कि आपको न्याय मिल पाएगा? नहीं मिल रहा न्याय, ना मिलेगा। न्याय दिलाने वाला ऊपर वाला है, वही न्याय दिला सकता है, नीचे वालों से न्याय की उम्मीद नहीं। कैसे मौत हुई? घर से खेत गया, और खेत जाने के बाद मार के एक बावली थी, उस बावली में फेंक दिया गया, अब बिल्कुल नग्न अवस्था में, और यहाँ काफ़ी चोटें थी, अंडकोश वगैरह पूरी तरह फूटा हुआ था। अब बार बार सेकंड डे से ही थानागढ़ को आरोपियों के नाम के सहित आवेदन देने लगा, कोई कार्यवाही। अब विनोद सिंह जैसा भ्रष्ट थाना प्रभारी आपको मध्य प्रदेश में कहीं नहीं मिले। मऊगंज में जाते हो? अब मऊगंज में जाते ही, जैसे ही मऊ यहाँ से हुआ, मऊगंज गए वो, तो जाते ही हत्या कराए, उसको तो पैसा प्यारा है जी। सर, आज
कि ये शिविर लगाया गया है, क्या उद्देश्य इसका, कुल कितने मामले पेंडिंग थे, कैसे निराकरण किए जा रहे हैं? दरअसल रीवा एक ऐसा जिला है जहाँ CM हेल्पलाइन की सबसे अधिक शिकायतें होती हैं और करीब हर महीने 900 शिकायतें आती हैं, जिसमें लगभग 600 शिकायतें हम 600 से 700 शिकायतें हम बंद करा पाते हैं, लेकिन कुछ शिकायतें से फरियादी संतुष्ट नहीं होता है। तो इसके लिए हमने ये ज़रूरी समझा कि जिला स्तर पे महीने में कम से कम एक बार सभी फरियादियों के हम बुला के उनको आमने सामने सुन लिया जाए। कई ऐसी भी शिकायतें होती हैं कि आदमी के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ, CM हेल्पलाइन में शिकायत कर दिया, कई लोग गलत सही चीज़ों का गलत फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे हम एक बार रूबरू हो लें, सबको जान लें। और फरियादियों को कई बार ये पता नहीं रहता है कि उनकी शिकायत का संबंध पुलिस से है कि किसी और विभाग से है, तो उनको समझाना पड़ता है कि भाई इसमें पुलिस के पास मत जाओ, ये इसके लिए कलेक्टर साहब को शिकायत करो, इसके लिए दूसरे विभाग को शिकायत करो। तो इस तरह की चीज़ों को समझाना बुझाना ताकि शिकायतों की निराकरण हो सके, लोगों को सही तरीके से पता चल सके कि उसकी शिकायत के निराकरण का कई किस स्थान पर हो सकता है। इसके उद्देश्य से जिला स्तर पर आयोजन किया कराया गया, सभी उन थानों प्रभारियों को बुलाया गया जहाँ पे इस तरह की शिकायतें ज़्यादा होती हैं। कुछ थानों में शिकायतें कम होती हैं, उनको नहीं डिस्टर्ब किया, लेकिन जहाँ पे शिकायतें ज़्यादा होती हैं उनको बुलाया गया, सबको सुन रहे हैं, जो वहाँ से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं, रीजनल एसपी साहब के पास जा रहे हैं और हम सबको सुन के उसका निराकरण कर रहे हैं। अभी जिले में कुल कितने पेंडिंग केसेस हैं? अभी हमारे पास 411 शिकायतें CM हेल्पलाइन की अलग अलग लेवल पर लंबित हैं। नहीं, रीवा में नहीं, इस रीजन में भी शिकायतें हैं, रीवा में 100 ज़्यादा हैं, बाकी जगह 100-200 कम है, बस अंतर इतना ही है। थानों में सर नहीं हो रहा, निराकरण नहीं हो रहा क्या? नहीं नहीं, इसमें 2-3 लेवल की शिकायतें हैं ना, मैंने बोला ना कि कई बार CM हेल्पलाइन एक ऐसा फोरम है जिस फोरम में आदमी को अपने खुल के शिकायत करने का अवसर मिलता है, बाकी जगह जैसे पुलिस के पास अगर किसी खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है तो थाने में नहीं जा सकता, लेकिन CM हेल्पलाइन में वो कर सकता है क्योंकि ऑनलाइन शिकायत करनी होती है। तो हमारे लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि हर चीज़ को तरीके से देख सकें कि भाई कोई गलत आदमी लाभ न उठाए इस मंच का, इसलिए सुनवाई का स्तर, सुनवाई को और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से यहाँ पे बुलाया गया।